सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज डिस्कस करेंगे जो YouTube वीडियो होती है उसके जो बैकग्राउंड में हम जब जैसे कि ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करते हैं। सो कई बार क्या करते हैं, एक सेकेंडरी फोन होता है, ठीक है, फिर एक रिकॉर्ड करने के लिए या कैमरा होता है और फिर हम फोन में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। एक तो ये मेथड होता है, एक हम लोग डायरेक्टली उसी कैमरे से जो वॉइस रिकॉर्ड होती है वो रखते हैं। सो इसमें जो बैकग्राउंड नॉइज आती है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, कंप्लीटली उसको निल कैसे करेंगे। सो अगर आपको मोबाइल में करना है तो उसके बारे में भी एक ट्रिक बताऊंगा। वैसे स्पेसिफिकली मोबाइल में कुछ ऐसे का ऐप तो होता नहीं है जिससे आप जो नॉइज होती है उसको रिड्यूस कर पाओ, पर पीसी में कैसे करते हैं, तो लॉन्ग प्रोसीजर भी है, शॉर्ट प्रोसीजर भी, सबके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो अगर ऐसी मजेदार वीडियोस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देखनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड बात करेंगे नॉइज रिडक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एडिटिंग के लिए हम लोग बेसिकली इन कॉमन चार सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। एक होता है डाविंची रिजॉल्व, एक होता है वंडरशेयर, एक होता है प्रीमियर प्रो, ठीक है, और एक होता है जो हम मोबाइल एडिटिंग में यूज करते हैं जो भी फिल्मोरा ही होता है, पर हम कभी कभी वीएन मास्टर या ऐसे कुछ काइन मास्टर जैसे पॉपुलर ऐप यूज करते हैं। पर अब इनमें आपको नॉइस को कैसे रिड्यूस करना है। सो गाइस, अब मैंने प्रीमियर प्रो जो कॉमनली यूज होता है उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, ठीक है, मैंने अपनी क्लिप जो है वो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। प्रीमियर प्रो एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो सभी लोग यूज करते हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा यूज है, क्रैक्ड भी यूज होता है और जो कॉस्टली मतलब जो पेड होता है वो भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। तो दोनों में सेम ही फंक्शन है, क्रैक का मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और वो कुछ लोग जो मैक यूज करते हैं वो पेड भी यूज करते हैं। सो अब इसके अंदर नॉइज को कैसे रिड्यूस करना है, तो एक होता है जो हम ऑडासिटी से करते हैं। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको कैसे यूज करना है वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो आपको अभी तक यूजफुल लग रही है, तो आगे लगेगी तो आगे भी कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो पार्ट है इस पर आप राइट क्लिक करो और वीडियो को अनलिंक कर लो। अब इस वॉइस को मैं ऐसे ऐसे कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, ये अलग हो चुकी है। अब इसको क्या करना है आपको, निकालना है, इस वीडियो से बाहर निकालना है, उसकी अलग से फाइल बनानी है। सो इस पर क्लिक करो, रेंडर एंड रिप्लेस पे क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आपकी वॉइस है वो इधर आ जाएगी, आपके जहाँ से आप वीडियो इम्पोर्ट करते हो इधर प्रीमियर प्रो में उधर आ जाएगी। इसको आपको क्या करना है, रिवील इन एक्सप्लोरर है, इधर ऊपर एक ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करने के बाद, रिवील इन एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये वॉइस जो है वो इधर आ गई, बाहर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करो और ऑडासिटी है उसको ओपन कर लो। ऑडासिटी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो आप। ओके, अब ऑडासिटी को मिनिमाइज करो और इस फाइल को इधर से ड्रैग, ड्रैग का मतलब इसको होल्ड क्लिक करके होल्ड करके रखो और इधर मूव कर दो। अब जो वो साउंड था वो इधर आ चुका। अब आप बोलोगे वो सिंक कैसे होगा, तो ज़्यादा इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करोगे तो आपको सिंक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वॉइस जो आप मुँह से बोलोगे वो ऐसी की एज इट इज़ रहेगी। ये लॉन्ग प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ जो सब लोग कॉमनली करते हैं। इसको आप इधर से कंट्रोल ए कर लो, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, और इफेक्ट में जाओ, नॉइज इफेक्ट जो ऊपर है उधर जाओ, नॉइज रिडक्शन में जाओ, गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। तो इसकी जो नॉइज प्रोफाइल है वो इधर इधर आ जाएगी और आपको जो मेन वॉइस है वो पीछे चले जाएगी। सो अब इसको अपन वापस से इधर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, वापस नॉइज रिडक्शन पे क्लिक करो और ओके कर दो। अब ओके करते ही पूरी नॉइज निकाल देगा इसमें से। अब प्ले करके देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कुछ मैंने बोल रखा है, इधर से प्ले कर, कंप्लीटली गॉन। अपन फाइल में जाते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं MP3 में। एक्सपोर्ट करके इधर क्या लिखेंगे, न्यू वॉइस, न्यू वॉइस लिख लेते हैं या न्यू वी लिख लेते हैं ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही डाल लेता हूँ एक मिनट के लिए। डेस्कटॉप पे जाके ओके कर दो और ये इधर से उस नॉइस प्रोफाइल को ले जाएगा। ओके, ये इधर आ गई न्यू वी। अब इसको इधर से ड्रैग करो और प्रीमियर प्रो में इधर ड्रॉप कर दो। सो ये इफेक्ट मतलब नॉइज रिड्यूस की हुई वॉइस है, इसको अब अपन सुनते हैं। ये प्ले किया, आप बोल सकते हो बैक। ओके, एक मिनट मैं इस ऑडियो को एकदम फुल कर देता हूं और फिर आपको सुनाता हूं कितना नॉइज आता है इसके अंदर। बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है जो काफी ज्यादा आप बोल सकते हो इरिटेटिंग साउंड जो होता है ना, इरिटेट करता है बहुत ज्यादा। सो आप जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो पीछे इतना नॉइज होता है, इतना ज्यादा
आवाज होता है, इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। अब इस नॉइज को है ना पूरा का पूरा, अब मैं बार नॉइज बोल रहा हूँ, इस क्लिप को है ना मैं क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो है पर उसका वो जो प्रोफाइल है जिसमें आवाज है, जिसमें आपने बोल रखा है वो पूरा है वो नहीं है। अब इसको ड्रैग करो और इधर ड्रॉप कर दो और अब सुनो। ओके, अब इस ऑडियो को फुल मैक्स कर देता हूँ। ये किया मैक्स, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट होता है जो काफी ज्यादा आप बोल सकते हो इरिटेटिंग साउंड जो होता है ना, इरिटेट। ओके, पूरा गायब हो चुका है। पर अब इतना सब हमने किया, पर इसको एक छोटे से मेथड से कैसे करना है, 2 मिनट का काम है खाली। मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ इधर से और एज इट इज़ जो नया क्लिप है उसको इधर इम्पोर्ट करता हूँ। ये किया इम्पोर्ट, इसको सिलेक्ट करो, ऑडियो में जाओ, इधर एक डायलॉग का ऑडियो में ही हूँ मैं पहले से, ऊपर ऑडियो लिखा हुआ है, ऑडियो में जाओ, डायलॉग में जाओ, उसके बाद लाउडनेस, लाउडनेस के नीचे रिपेयर आएगा, रिड्यूस नॉइस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और फिर अब इसको थोड़ा सा ड्रैग आगे कर दो ताकि पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाए। अब प्ले करो। So, अब उस साउंड को कैसे रिमूव करना है, ये वीडियो रहेगी लैपटॉप यूजर्स के लिए जो बोल सकते हो फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो ऐसे टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज करते हैं। दो मिनट लगा, प्रीमियर प्रो में पूरा जा चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी जो नॉइज है वो रिड्यूस कर सकते हो अगर आप फिल्मोरा या वंडरशेयर यूज करते हो। ओके, सो वंडरशेयर को ओपन कर लेना है, फिल्मोरा का बता रहा हूँ। फिल्मोरा में भी काफी ज्यादा इजी है, ज्यादा इतना कुछ हार्ड नहीं है। फिल्मोरा ओपन करना है, उसके बाद आपको इस ट्रैक को इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर लेना है, इसमें टाइमलाइन में लेके आ जाना है। और इसमें डायरेक्टली कैसे करना है वो बताता हूँ। इसको इधर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो एंड रिमूव बैकग्राउंड नॉइज। सिंपल है, रिमूव बैकग्राउंड नॉइज है, उसको ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करो और इसको मिड पे ले जाओ, मिड पे ले जाके ओके कर दो एंड प्ले। सो पूरा का पूरा नॉइज चला गया है पीछे से, आप पूरा सुन सकते हो। ओके, एक मिनट, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है जो काफी ज्यादा आप बोल सकते हो इरिटेटिंग साउंड जो होता है ना, इरिटेट करता है बहुत ज्यादा। पूरा निकल गया, बस इतना सा प्रोसेस है और आपका जो नॉइज है वो प्रोफाइल कंप्लीटली निकल जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी एडिटिंग ट्रिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहे। आगे एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही, जिसमें आपको सब्सक्राइब एनिमेशन और उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही कमाल के कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।